बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी, आज मैं आपके लिए दुनिया का सबसे मशहूर ब्रेकफास्ट यानी कि पैनकेक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सभी को नाश्ते में बहुत ही पसंद होते हैं। और पैनकेक्स बनाना काफ़ी ईजी है, चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैनकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जग लेंगे, उसमें 2 अंडे डालेंगे और 1 कप चीनी डालेंगे। वनीला एसेंस डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप। और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और अब इसमें हम 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लेडी मिक्सचर हमारा रेडी है, अब इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसे अच्छे से छान लिया था। अब हम मैदे को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर में मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से अब जो मैदा बचा वो सारा डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी, हमारा बहुत ही डिलीशियस सा पैनकेक का बैटर रेडी है। और अब हम एक कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लेंगे, उसे लो फ्लेम पे रखेंगे और ऑयल से ग्रीस करेंगे और 1 स्पून की मदद से बैटर को इस तरह से डाल देंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और ये रखें, जब इस तरह से बबल बनने स्टार्ट हो जाए तो हम केक की साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी इस तरह से पकने देंगे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक। तो जी, केक हमारा अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पैनकेक्स रेडी कर लेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें, पैनकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम पैनकेक सॉस डालेंगे और इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी तैयार होते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी टेस्टफुल बनते हैं। ये देखें। तो जी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।